हाउ टू ओवरकम द मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर कला एक नहीं है जी कि फेलियर का प्रेशर है, मेंटल प्रेशर सोसाइटल प्रेशर भी है, मेंटल प्रेशर माँ बाप का भी प्रेशर है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्या करूँ मैं, इसका क्या इलाज है, इसके ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं या CAPF एस्पिरेंट है, इवन फॉर दैट मैटर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, मेरा आप सभी से एक सजेशन है, आप सभी को स्टार्ट डूइंग सम जॉब साइमल्टेनियसली। बहुत सारी जॉब्स हैं दुनिया में, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साथ में, सो दैट यू स्टार्ट बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये ज़रूरी है, सोसाइटी को भी बंद करने का मुंह और पेरेंट्स को भी थोड़ा शांत करने का, क्योंकि उनमें एंग्जाइटी होनी होनी है कि हमारा बेटा करेगा क्या, क्योंकि तब से वो इन्वेस्ट ही कर रहे हैं तुम्हें। तो इसलिए स्टार्ट वर्किंग समवेयर, वर्किंग इन अ सेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप तैयारी कर रहे हो और वर्किंग कुछ और ही चल रही है, वर्किंग वो जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे, इन्हांस करे, तुम्हारे माइंड को स्टेबलाइज करे, माइंड को रिफ्रेश करे। पैसे के पीछे जॉब नहीं करनी कि भाई मेरे को 50-60 हज़ार रुपये अभी मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, 15-20 भी मिल जाए बहुत है, आपका खुद का गुजारे के लिए, कमाने के लिए नहीं, सिर्फ गुजारे के लिए आपने जॉब करनी है और वहाँ से सीखने के लिए। क्यों, कई बार अक्सर होता आप साल हो गया, 2 साल हो गया, पेपर दे रहे हो, बन नहीं रही बात, ठीक है, पेपर दे रहे हो, SSB में रह रहे हो, तो आपके ऊपर ना दिमाग में प्रेशर, एक फाइनेंशियल प्रेशर भी होना शुरू हो जाता कि मैं अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे लग रहे हैं उनके बार बार, तो आप वो जो चीज़ें ज़रूरी थी, अनिवार्य थी तुम्हारी तैयारी के लिए, उनको भी स्किप करना शुरू कर देते हो जस्ट बिकॉज कि मैंने कितने पैसे बर्बाद कर दिए, जबकि ऐसा है नहीं, याद रखिएगा। इसलिए स्टार्ट बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये ज़रूरी है, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। अब मेरे से काफ़ियों ने पूछना कमेंट सेक्शन में फ़ोन करके, सर कैसे होते हैं, ये तुमने ढूंढना रास्ता, ट्यूशन पढ़ाओ, होम ट्यूशन पढ़ाओ घर पे, किसी को भी पढ़ाओ वो भी ठीक है, किसी कॉल सेंटर पे बोलने का काम है अंग्रेज़ी बोलने का तो वो सीखो, उससे बढ़िया होगा, कोई ना कोई लैंग्वेज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब, ज़रूरी है टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सो दैट यू बैलेंस योर प्रिपरेशन। हाँ, अगर आपको लगता है यार जॉब से मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, पर मेरे से अगर आप सजेशन मांग रहे हो, दैट इज़ अ वे टू डू बेटर, अंडरस्टूड। और ये बिल्कुल नहीं करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ हायर डिग्रीज आप किसी पे एडमिशन ले रहे हो। ये मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा, भाई सर पहले BSc कर लिया, अब MSc कर रहा हूँ, MSc करनी शुरू कर दी, ना इंटरेस्ट है ना कुछ है, बस धक्के से कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, मेरे को नहीं लगता अब वो मायने रखता। आज स्किल ओरिएंटेड सोसाइटी है और स्किल ओरिएंटेड ही मांगती है हर कंपनी, योर स्किल्स शुड बी बेटर रादर देन डिग्रीज। तो फोकस स्किल में करें, स्पीकिंग में करें, अपनी पर्सनैलिटी में करें, और वो कैसे होगा, जब आप सोसाइटी में एंटर करोगे, मार्केट में एंटर करोगे, व्हेन यू गो फॉर लाइक मार्केटिंग में भी जाओगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी यार, कैसे करना, कैसे दूसरे बंदे को कन्विंस करना, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और इससे आपका दिमाग और मैच्योर होगा, जब मैच्योरिटी आएगी तो SSB में भी हेल्प आएगी। इसलिए बार बार ये कहूँगा इस चीज़ के लिए। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना, पेरेंटल प्रेशर। दोस्त एक चीज़ याद रखो, वो बने इसलिए प्रेशर बनाने के लिए, अगर आज नहीं समझोगे, एक्सेप्ट करोगे तो कल को एक्सेप्ट करोगे, सो दे आर मेंट फॉर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन यू, क्लियर। तो आपको खुद उस चीज़ को मैनेज करना, और मैनेज कैसे करना, दैट यू नो बेटर, अंडरस्टूड। दे कांट अंडरस्टैंड, आई हैव नेवर बीन एबल टू मेक माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड मी, सो आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। मैं ये गलत नहीं, उनके अगेंस्ट नहीं कह रहा, बट ये सच है, क्योंकि उनकी लाइफ और तुम्हारी लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस जनरेशन में तुम रह रहे हो, वो जनरेशन और आज की जनरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज सब कुछ कंप्यूटर पर है, उनको कंप्यूटर का अभी तक पूरी तरह नहीं पता चलता, अंडरस्टूड। उनको YouTube पे खोलना शुरू करते, कोई भी न्यूज़ सुनते, उनको घबराहट होनी शुरू होती है, अब अग्नि पथ शुरू हो रहा है,
उस चक्कर में सोच रहे होंगे कि सीडीएस का भी कल को होना शुरू हो जाएगा, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, क्योंकि इनसिक्योर होना शुरू, क्योंकि वो शुरू से सिक्योरिटी में रहे हैं जी। अगर वो जॉब में है, आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, दे ऑलवेज फेल्ट सिक्योर विद द गवर्नमेंट जॉब, दे विल नेवर प्रेफर यू टू गो इन प्राइवेट सेक्टर, ये फ़र्क है जी। तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको प्रेशर बनेगा उधर से, तो आपको अपने हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है जी। और प्रिपरेशन को फास्ट मोड पे रखो, साथ साथ काम करना शुरू करो, बार बार कह रहा हूँ, स्टार्ट गेटिंग सेल्फ डिपेंडेंट, ये बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। और अपने आप को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने मोस्टली यूथ में देखा, दे डोंट कंट्रोल देमसेल्व्स। पीनी शुरू की तो पीनी शुरू कर दी, दोस्त बने हैं तो घूमने गए तो घूमने ही शुरू कर दिए। आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिपरेशन मांगती है, ज़िंदगी भी मांगती है, स्ट्रगल संघर्ष इसी को कहते हैं। आपको कई चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने उस गोल के लिए जिसको आप चाहते हैं। तो उसी कारण कई बार पेरेंट्स भी आपके ऊपर कमेंट्स करने शुरू कर देंगे कुछ ना कुछ, चाहे तुम एक दिन के लिए गए, उन्होंने सुनाने यही शुरू कर देना तू तो दोस्तों के साथ घूमता रहा। तो इन चीज़ों को ओवरकम करिए। तीसरी एक और चीज़, रिलेशनशिप्स। आधी से ज़्यादा जनता तो इधर रिलेशनशिप ही ढूंढ रही है। आई अंडरस्टैंड, हार्मोन्स हैं, एज है, इट हैपेंस, अंडरस्टूड, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सबसे पहली इंपॉर्टेंस आपकी सक्सेस है, आफ्टर दैट एवरीथिंग विल कम। और अगर अभी आप लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि एक साल कंट्रोल करने से कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा, या दो साल भी तीन साल भी, आपको पहले अपना फोकस प्रिपरेशन की तरफ ही देना पड़ेगा। रिमेंबर, चाहे इस समय आपके बाल झड़ रहे हों, चाहे आपका कुछ भी ख़राब हो रहा, पेट मोटा, फिजिक सारा ख़राब, पर जिस दिन सिलेक्शन होगी ना, जैसे मर्जी हो, टेढ़े मेढ़े हो, तो भी वो आएगी, या वो आएगा अगर आपके पास सक्सेस है। तो इसलिए फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर प्रिपरेशन। आई डोंट से कि आप फिजिकली एक्टिविटीज़ मत करिए, भागिए, रनिंग करिए, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू योर माइंड गेट्स रिफ्रेश उसके लिए, लेकिन फोकस अपना शुरू रखिए पेपर में ही, सिंगल माइंडेड फोकस। और अगर जॉब जूब भी कर रहे हैं तो भाई आपको 6 घंटे तो निकालने, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी। तो ये था जी आज का मेरा मैसेज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेशर विच यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, बट यू हैव टू ओवरकम दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।